हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक आपके लिए एक नई लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ आ गया हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरा चैनल जॉब्स मंडली में, जिसमें मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि BECIL की तरफ से जो नोटिफिकेशन आई है, जिसमें 4000 टोटल पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जी हाँ, इसके बारे में मैं सब कुछ आपके लिए बताऊंगा कि इसमें कैसे क्या करना है, कैसे आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे, ठीक है? तो हर कुछ मैं आपको बता दूंगा। आप बस मेरे चैनल के साथ बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, कौन कौन एलिजिबल होगा, ठीक है, और सिलेक्शन है, ये सारे कुछ मैं आपको बता देने वाला हूं, तो मेरे चैनल के साथ बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चैनल, ओके? सो फ्रेंड्स, मैं अपने नोटिफिकेशन पर आ चुका हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि BECIL की तरफ से आया है ये नोटिफिकेशन, और मैं आपको बता दूँ कि BECIL होता क्या है, ठीक है? तो ये एक इंफॉर्मेशन या एक बोल सकते हैं कि स्किल्ड और अनस्किल्ड पर्सन को स्किल देकर उसको जॉब ओरिएंटेड कोर्स करवाकर बस कुछ समय के लिए, छोटे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कोर्स कराकर उसको एश्योर प्लेसमेंट देना, चाहे वो टीवी में न्यूज रिपोर्टर का पोस्ट हो, चाहे वो किसी कंपनी में पोस्ट हो, आपके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको पोस्टिंग जॉब मिल जाती है, ठीक है फ्रेंड्स? तो आप इसमें जरूर अप्लाई करें, क्योंकि इसकी ये जो अपडेट है वो हर बार नहीं आती होगी। 4000 पोस्ट के लिए अप्रोक्स बोला है, देख लीजिए, अप्रोक्स 4000, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि और कितनी भी हो सकती है, ठीक है? और इसमें आपको जो भी प्लेस किया जाएगा वो स्किल्ड या अनस्किल्ड और कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर के तौर पर हो सकता है, और आपको परमानेंट जॉब भी लग सकती है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये एक गवर्नमेंट जॉब है, तो आप इसमें अप्लाई जरूर करें, हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाए, ठीक है? तो जॉब ओरिएंटेड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये, शॉर्ट नोटिफिकेशन यहाँ बोला है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट नंबर कितना है, ठीक है? यहाँ एडवर्टाइजमेंट नंबर बताया BECIL करके, ओके? देन में अगर मैं आगे की बात करूं, तो आगे यहाँ पर देखते हैं डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ओपनिंग कब से हो रही है, 27/12 से हो चुकी है फ्रेंड्स, ठीक है? आप ओपनिंग हो गई है, उसकी ज़्यादा ये मत करें कि ये ओपन कब होगी। 27/12/2019 से ओपनिंग हो चुकी है, और आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है 30 तारीख, ओके? 30 दिसंबर 2019 है और 27 से ये आ चुकी है, ओके? एंड डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 11/1/2020, मतलब 11 जनवरी तक ये रहने वाली है। और टेस्ट डेट ऑफ मेरिट टेस्ट, ठीक है, ये आपको बताया जाएगा कि टेस्ट होगा या नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आगे आप मेरे वीडियो को देखते रहें, स्किप ना करें, मैं आपको सभी कुछ बताऊँ, क्योंकि मेन चीज़ आप स्किप कर देते हो एंड देन कमेंट में वही क्वेश्चन आप पूछते हो, इसलिए आप बने रहें, ठीक है? और यहाँ पर देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल दिया है, आप इसी पोर्टल पर जाकर अप्लाई करोगे, www.becieljobs.com, ठीक है? ये एक जॉब देने वाली बोल सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ओके? एंड मेरिट लिस्ट आपको डिस्प्ले होगी इसके वेबसाइट में, या फिर आपको SMS के थ्रू आपको पता चल जाएगा। और ट्रेनिंग बैचेस जो स्टार्टेड हो रही है, फर्स्ट बैच की 11 से ही स्टार्ट हो जाएगी, सेकंड बैच की 15 से स्टार्ट होने वाली है, 15 जनवरी से, एंड थर्ड बैच की 20 से स्टार्ट हो जाएगी, 20 जनवरी 2020 से स्टार्ट हो जाएगी। 100% गारंटी प्लेसमेंट एट इलेक्ट्रिसिटी डिप्यूटेशन सबस्टेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है? 100% जॉब की गारंटी देने वाला है ये, और देख लीजिए विद एश्योर्ड मिनिमम वेजेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूपी, और यूपी में मिनिमम वेजेस जो गवर्नमेंट के लिए है, ठीक है, गवर्नमेंट के तौर पे जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स या कैंडिडेट को जितने भी पैसे दिए जाते हैं, जितने भी अमाउंट दिए जाते हैं, अर्निंग्स होती हैं, उसी हिसाब से आपको मिलेगा, और ये 100% का आपको गारंटी दे रहा है, तो आप इसमें अप्लाई जरूर करें। सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी डिप्लॉयड वेलफेयर 1 to 2020 ऑनवर्ड, ठीक है? फर्स्ट कम फर्स्ट सब रजिस्ट्रेशन बेसिस पर आपको ये मिलने वाला है। इसकी बहुत सारी फेक वैकेंसीज भी होती है, लेकिन मैं बता दूं कि ये फेक नहीं है, आप इस वेबसाइट पर जाकर इसको पूरी तरह से जांच कर सकते हैं, ओके? एंड ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टिंग इंडिया लिमिटेड, इसकी पूरी फुल फॉर्म होगी, एक मिनी रत्न कंपनी है जो कि बिल्कुल गवर्नमेंट है फ्रेंड्स। और क्लास वन ये जो है वो इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल के लिए है, बट वैसा कुछ नहीं है, आप डिप्लोमा वाले हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? इसमें आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। आफ्टर जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तब आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और ट्रेनिंग ऑपरेशन अंडर जो चलेगा वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की तरफ से, ठीक है? केबल ऑपरेटर एंड केबल ऑपरेटर टेक्नीशियन जो कि अभी NPCIL में भी इसका वैकेंसी निकली हुई है। पार्ट वन ट्रेनिंग प्रोग्राम देखें यहां पर क्या हुआ है, क्या क्या यहां रिक्वायरमेंट रखी गई है, ठीक है? वहां पर सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा जो कि वैलिड होगा। और बिगनिंग ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसकी जो मेन ब्रांच है वो बेंगलुरु में है, लेकिन यहाँ पर जो इसका सारा काम होता है वो ब्रांच का नोएडा में होता है। तो कहाँ कहाँ इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा जाएगा वो देखिए, नोएडा है, लखनऊ है, वाराणसी है, मेरठ है, एंड बुलंदशहर है, ठीक है? इन जगहों पर इसकी
ट्रेनिंग की लोकेशन रखी जाएगी और आईटीआई सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिकल ट्रेड और वायरमैन एज रिकॉग्नाइज एनसीबीटी और एससीबीटी हायर टेक्निकल डिग्री डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड विथ और सेल्फ पोजेस ओवरहेड सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। ठीक है, अगर आपके आपने एट्थ आपने अगर आईटीआई किया है, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आपके पास एनसीबीटी एंड एससीबीटी का सर्टिफिकेट है, आपने डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर बोल रहा है कि अगर आप दूसरे ब्रांच से भी हो तो आपके पास यहाँ पर ओवरहेड सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की होनी चाहिए विद एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल्स। ठीक है, यहाँ एक्सपीरियंस तो बोल रहा है लेकिन याद रखे मैंने आपको क्या कहा, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हो। कोर्स भी यहाँ 6000 रखी गई है लेकिन ये सभी के लिए नहीं है, मैं आपको बताऊंगा, मेरे वीडियो को देखते रहें। 7 दिन की ड्यूरेशन रखी गई है, आपको 7 दिन में ही इतनी स्किल कर देंगे कि आपके वारे न्यारे होने वाले हैं। बेसिक नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की होनी चाहिए, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। और बेसिक नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए होनी चाहिए 8th पास यानी स्टेट बोर्ड, अगर आप 8th पास हैं और किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं, आपको थोड़ा मोड़ा इलेक्ट्रिकल का नॉलेज है तो आप इसमें अप्लाई जरूर करें, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि ड्यूरेशन इसके लिए जो 8th पास के लिए 30 डेज रखी गई है और इसके जो फी है वो 15,000 रुपए रखी गई है। स्टिपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग, देखिए यहाँ पर स्टिपेंड की बात करूं मैं तो यहाँ पर बेसिक नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सेफ्टी मेजर के लिए यहाँ पर स्टिपेंड यस बोला है, कितना देगा ये नहीं बताया बट ये देंगे। और यहाँ 8th पास वालों को भी स्टिपेंड मिलेगा बट जिन्होंने आईटीआई डिप्लोमा किया है उन लोगों का स्टिपेंड तो नहीं मिलेगा, लेकिन उनके लिए फ्री में पाने का मौका है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी होना है सिलेक्शन में, अगर सिलेक्शन बताओ तो वो मेरिट बेसिस पे होने का है, आपका सिलेक्शन मेरिट बेसिस पे आपको वहां बुलाया जाएगा। और अगर कैंडिडेट बहुत ज्यादा हो गए तो आपको वहां पर टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट स्किल टेस्ट हो सकता है, लेकिन अगर कैंडिडेट कम हुए तो क्या होगा कि वहां डायरेक्ट आपको रख लिया जाएगा, क्योंकि पोस्ट मामूली नहीं है, 4000 की पोस्ट निकली हुई है। ठीक है, और इन हाउस ट्रेनिंग 15 डेज बोला है और ऑन साइट ट्रेनिंग 15 डेज, टोटल 1 महीने की ट्रेनिंग आपको रहेगी। द कैंडिडेट, अब यहां ध्यान दीजिए सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रखी गई है, द कैंडिडेट हु सिक्योर एटलीस्ट 90% मार्क्स विल बी एलिजिबल फॉर फ्री ट्रेनिंग। ठीक है, अगर आपने 90% मार्क्स अगर पाए हैं तो आप इसमें फ्री ट्रेनिंग पाने के एलिजिबल हो। अगर आपने 8th में, आपने 10th में डिप्लोमा में आईटीआई में 90 से ऊपर परसेंट लाया है या 90% लाया है तो आप वहां फ्री ट्रेनिंग करोगे, क्योंकि यहां जो बताया है देख सकते हो 6000 रुपया, तो वो 6000 उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग यहां पर 90% या उससे ऊपर लाने वाले हैं, बट जिन्होंने उससे कम लाया है तो उसके लिए देखिए जो 80% लाए हैं उसके लिए पेड ट्रेनिंग 6000 रुपए लग जाएंगे। अंडर कैंडिडेट हु सिक्योर एटलीस्ट 60 मार्क्स, जो 60 मार्क्स लाए उनको 11000 रुपए लगने वाले हैं। ठीक है, और द कैंडिडेट हो सकर 40 मार्क्स, उनको 15,000 रुपए लगने वाले हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो यहाँ लिखा हुआ है ये किस बेसिस पर लिखा हुआ है कि किसको कितने लगने वाले हैं। ठीक है, मैं तो कहूँगा आप इसमें अप्लाई जरूर करें, फ्री ट्रेनिंग मिलेगी। और यहाँ अगर मैं बात करूँ बैच साइज की तो 30-40 कैंडिडेट हर बैच में होंगे और फैकल्टीज आपको हर अच्छे मिल जाएंगे, सर्टिफिकेट मिल जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन और रहने के बारे में बताऊँ तो ट्रांसपोर्टेशन और रहने में थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये आपको खुद ही करना पड़ेगा ट्रेनिंग वेन्यू तक जाने के लिए। ठीक है, द पार्टिसिपेंट्स विल हैव टू मेक देयर ऑन अरेंजमेंट फॉर स्टे एंड ट्रांसपोर्टेशन टू एंड फ्रॉम ट्रेनिंग वेन्यू। ओके, एंड द रजिस्ट्रेशन फी इज 500 रुपीज ओनली। ओके, रजिस्ट्रेशन फी 500 रुपीज है। ओबीसी के लिए 250 रुपए हैं और एसटीएससी के लिए डिमांड ड्राफ्ट फेवर में बोला गया वो केवल 250 रुपए है, बाकी जनरल और ओबीसी के लिए जो है वो 500, जनरल ओबीसी 500 रुपए, एसटीएससी एंड पीएच कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपए रखे गए हैं। अकाउंट सारे डिटेल्स इन्होंने दे रखे हैं, इसी अकाउंट डिटेल पर आपको सब कुछ करना है अगर आप कर रहे हो। ठीक है, आपको ड्राफ्ट बनवाना है, उसके बाद मैंने आपको बता दिया वेबसाइट कैसे क्या करना है। ठीक है, अब ट्रेनिंग मॉड्यूल एंड कोर्सेज कंटेंट में आपको यहाँ पर देख लीजिए, आप मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मैं पूरे नहीं पढ़ के बता सकता कि टेक्नीशियन के लिए लाइनमैन के लिए। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए, आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, और अगर आप इसमें अप्लाई करोगे तो बहुत अच्छी बात होगी फ्रेंड्स, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब मिलना आजकल इतनी मुश्किल है। और अगर आपको अगर कोई और भी क्वेरी है तो आप इसमें कॉन्टेक्ट कर लीजिए कि कौन कौन एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ठीक है, ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर का यहाँ फोन नंबर दिया हुआ है, अवधेश पंडित जी का है, आप इसमें अप्लाई करें और उनसे बात भी कर लें ताकि आपको कोई क्वेरी ना हो फ्रेंड्स। और मैं तो कहूँगा आप जरूर अप्लाई करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत अच्छी जगह मानी जा सकती है आपके लिए काम करने के लिए, और वे गवर्नमेंट जॉब और उसी के वेजेस में। ठीक है, तो मैं कहूँगा आप इसमें अप्लाई जरूर करें। तब तक से मैं अपनी वीडियो को यहीं एंड करता हूं। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।